आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ डिजिटल मार्केटिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सलूशन। 5 पार्ट है हमारी एक्सरसाइज के, मैं एक एक करके आपको टास्क बताऊंगी और एक एक कर उनका सलूशन। सबसे पहले आपको यहाँ पर सिनेरियो के बारे में बताती हूँ। उन्होंने कहा है कि एज अ डिजिटल मार्केटर योर जॉब यू हैव अ जॉब फॉर क्रिएटिंग अ फेसबुक पेज फॉर अ न्यू मेकअप ब्रांड। एक नए मेकअप ब्रांड के लिए आप मेकअप फेसबुक पेज को क्रिएट करना है। यू ऑल्सो नीड टू डिजाइन अ क्रिएटिव पोस्ट रेलेवेंट टू द ब्रांड। वंस द पोस्ट इज रेडी पब्लिश ऑन द फेसबुक पेज, मेक श्योर इट अलाइन विद ओवरऑल कॉन्टेंट स्ट्रेटजी विद द टारगेट ऑडियंस। आपको बेसिकली हायर किया गया है डिजिटल मार्केटर यहाँ पर एक फेसबुक पेज क्रिएट करने के लिए, और उस फेसबुक पेज पे आपने यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पोस्ट को क्रिएट आउट करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आपको मेरी वॉइस से रिलेटेड डिस्टॉर्शन प्रोवाइड आउट हो रही है तो मेरे लैपटॉप का माइक्रोफोन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस प्रोवाइड आउट कर रहा है, तो काइंडली इस वॉइस के साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। जरूरी है आप लोगों के लिए टास्क की वीडियो बनाना, तो इसके लिए मैं इसी वॉइस में वीडियोस कंपाइल कर रही हूँ। अपने टास्क की तरफ चलते हैं, टास्क बताती हूँ और फिर एक एक कर उनका सोल्यूशन बताऊंगी। 5 टास्क है। सबसे पहला टास्क है क्रिएट अ फेसबुक पेज। आपने एक फेसबुक पेज जो है वो क्रिएट करना है, फिर आपने सेलेक्ट करनी है कॉस्मेटिक स्टोर को एज अ कैटेगरी। तो हम चलिए इन दोनों टास्क को सबसे पहले देखते हैं, जिसके लिए आपने क्या करना है, अपने फेसबुक प्रोफाइल को ओपन अप कर लेना है। फेसबुक प्रोफाइल को ओपन अप करने के बाद यहाँ पर आपको 9 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। इन 9 डॉट्स पे क्लिक करें, यू कैन सी द पेज ऑप्शन ओवर हियर। तो इस पेज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, इस तरीके से आपके पास यहाँ पर पेज आ जाएगा। तो अब आपने अपने पेज का कोई नाम लेना, तो मैं यहाँ पर सिंपल महक कॉस्मेटिक्स इसका नाम जो है वो डिक्लेयर कर दी, क्योंकि इन्होंने कोई भी नाम जो है वो हमें बताया नहीं था कि हमने क्या प्रोवाइड आउट करना। हाँ, इन्होंने हमें कैटेगरी जरूर बताई है कि कॉस्मेटिक स्टोर के नाम की आपने कैटेगरी जो है वो यहाँ पर चूज आउट करनी है। तो कॉस्मेटिक शॉप है हमारे पास यहाँ पर, हम कॉस्मेटिक स्टोर चेक करते हैं कि क्या मेरे पास कॉस्मेटिक स्टोर अवेलेबल है। तो कॉस्मेटिक शॉप मेरे पास अवेलेबल है, स्टोर अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे सिनेरियो के ऊपर में यहाँ पर एक अदर स्क्रीनशॉट लूंगी, ताकि मैं दिखा सकूँ कि कॉस्मेटिक शॉप अवेलेबल है और मेरे पास जो है वो कॉस्मेटिक स्टोर अवेलेबल नहीं। तो उसको टास्क नंबर 1 में प्लेस करते हैं, देन कॉस्मेटिक शॉप्स को यहाँ पे चेकआउट करते हैं। इसके बाद आपने बायो देनी है, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ वी आर लीडिंग मेकअप स्टोर इन योर सिटी। आप यहाँ पे क्या कहते हैं, कुछ भी प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको और कस्टमाइज कर सकते हैं, कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ महक कॉस्मेटिक्स आर लीडिंग मेकअप स्टोर इन योर सिटी। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है वो इसको कंपाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे, इसका एक अगर स्क्रीन शॉट लेंगे, और स्क्रीन शॉट लेने के बाद इसको टास्क नंबर 2 के अंदर आपने सबमिट करा देना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो 2 टास्क होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरा टास्क है अपलोड एन आई कैचिंग प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर फोटो दैट रिफ्लेक्ट्स द ब्रांड। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से क्रिएट पेज वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और हमारा जो पेज होगा वो यहाँ पर क्रिएट आउट हो जाएगा। तो आपको 2 से 3 सेकेंड का टाइम लेगा पेज क्रिएट करने के लिए, तो आप उसके लिए वेट करें। मीनवाइल आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जा सकते हैं गूगल पे, एंड यहाँ पे हम है वो कॉस्मेटिक्स को कॉस्मेटिक्स लोगों को सर्च करेंगे। ठीक है, तब आप जैसे कॉस्मेटिक्स लोगों को सर्च करोगे, आपके पास काफी सारे लोगो जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप किसी भी एक लोगो को यहाँ पर चूज आउट कर सकते हो। इसी तरीके से आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे कॉस्मेटिक्स पिक्चर लिखना है, पिक्चर से रिलेटेड आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी, तो उसमें से किसी भी एक पिक्चर का यूटिलाइजेशन करके आप आसानी से जो है वो अपना फेसबुक कवर भी बना सकते हैं। हम चेकआउट कर लेते हैं, तो देखिए हमारा मैक कॉस्मेटिक्स का पेज क्रिएट हो गया। वेबसाइट नहीं देनी, आपने फोन नंबर नहीं देना, ईमेल एड्रेस वगैरह आपने कुछ भी प्रोवाइड आउट नहीं करना, आपने उसको सिर्फ ऑलवेज ओपन पे सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है। आप इसे यहाँ से नेक्स्ट करोगे, बोलेगा प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, कवर फोटो लगाएं। आपने जो भी यहाँ पर कॉस्मेटिक्स का अपना
सेलेक्ट आउट करके रखा होगा प्रोफाइल लोगो, आप वो यहाँ पर अपलोड करोगे और साथ ही साथ आप यहाँ पर जो भी कवर आपने देखा होगा आप उसको अपलोड करोगे। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती तो आप कैनवा से लोगो एंड कवर भी बना सकते हो। मैंने ऑलरेडी बना के रखा है तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर इसको कंपाइल करूंगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अपना लोगो जो है वो उसको अपलोड आउट करती हूँ। देखिए मेरा लोगो आ गया, इसी तरीके से मुझे यहाँ पे कवर लगाना है तो अच्छा हम कवर यहाँ से चूज कर लेते हैं। इसी तरीके से मैंने सेम कवर भी डिजाइन करके रखा है तो हम ऐड अ कवर करके अपने कवर को भी अपलोड कर दूंगे। तो मेरे यहाँ पर जो तीसरा टास्क था हमारे पास यहाँ पे कवर अपलोड करने का, और यहाँ पे साथ ही साथ जो है वो हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने का टास्क था, वो कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका भी एक अदर स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको भी हम सबमिट कराएंगे अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। यहाँ पर हमने क्या करना है, ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आपने सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने अपने पेज को सिंपली क्रिएट कर देना। ये जरूरी है करना, क्योंकि अगर हम ये सब चीज नहीं करेंगे तो पेज नहीं बनेगा, पेज नहीं बनेगा तो हम यहाँ पर बाकी की चीजों को नहीं कर सकते। तो डन करने के बाद लास्ट तक आपने जो है क्या कहते हैं जो भी चीज आए उसको स्किप करें, स्किप करके डन कर दें। डन करने के बाद फाइनल आउटपुट आपके पेज का कुछ इस तरीके से यहाँ पर होना चाहिए। तो आप देखो कि यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से जो है वो मेरा फाइनल आउटपुट अवेलेबल है। ठीक है, मैंने अपने कवर को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया तो मैं कॉस्मेटिक्स के नाम से यहाँ पर मैंने इसको क्रिएट कर दिया। यहाँ पर जो हमारा काम था फेसबुक से रिलेटेड वो खत्म हो जाता है। अब हम अपने अगले टास्क को करेंगे जिसके लिए हम कैनवा पे जाएंगे। मैं यहाँ पर लिखूंगी मेकअप पोस्ट। ठीक है, मेकअप पोस्ट लिख के हम एंटर करेंगे एंड देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से टैंपलेट्स आते हैं। मैं फ्री कैनवा का यूटिलाइजेशन करने की जगह प्रो कैनवा का यूटिलाइजेशन कर रही हूँ। आपके पास अगर फ्री कैनवा है तो आप भी सेम यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको काफी सारे जो है क्या कहते हैं पोस्ट वगैरह दिख जाएंगे तो आप इसमें से अपनी मर्जी का कोई भी पोस्ट यूज आउट कर सकते हैं, एडिट कर उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर आप एडिट नहीं करना चाहें तब भी आप जो है वो सिंपल इसको अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। तो जैसे कि ये पोस्ट अच्छा लग रहा है, हम इसको एडिट कर सकते हैं तो मैं इसको एडिट कर लूंगी। इसके साथ साथ हम और यहाँ पे पोस्ट देख लेते हैं जो भी मुझे अच्छा लग रहा हो तो हम उसको भी यहाँ पर एड आउट कर लेंगे। और अगर आपको इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप कस्टम पोस्ट भी अपना खुद का क्रिएट आउट कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा सा ओपन अप करते हैं, इसको थोड़ा सा एडिट करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये गिव अवे का है तो हम इसको कस्टमाइज करते हैं और कस्टमाइज करके देखते हैं। जैसे ये है तो मैं इसको भी कस्टमाइज करती हूँ। दोनों को हम यहाँ पे कस्टमाइज कर लेंगे और अच्छे तरीके से इसको कंपाइल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लाइक एंड फॉलो मेकअप गिव अवे, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास लगे। अगर आप इसमें कोई और चीज का इजाफा करना चाहें तो आप सिंपली किसी और चीज का इजाफा कर सकते हैं। ये है तो उसकी जगह हम कोई और इमेज लगा सकते हैं। यहाँ पे जाती हूँ मेकअप करके और मेकअप करके हम चेकआउट करते हैं कि हम किस तरीके का इमेज है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छे अच्छे आपको इमेजेस जो है यहाँ पर मिल जाएंगे मेकअप से जरूरी आप उनको जो है वो सर्च कर सकते हैं। ये है, अगर हम इसको लगाएं और ये फेस करें तो भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ब्लैक या ब्लैक इतना ज्यादा खूबसूरत है, ये अच्छा लग रहा है। इसको अगर हम रिप्लेस करें तो दिस वन इज एक्चुअली लुकिंग गुड। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा और अच्छे शार्पर सा ट्राई करते हैं जिसमें मेकअप जो है वो अच्छा लग रहा हो। तो ये अच्छा लग रहा है लेकिन एज सच खास नहीं। ठीक है, तो और यूटिलाइजेशन करके देखते हैं। तो आप इसको जितनी मरतबा चाहें आप उतनी मरतबा जो है वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज करके रिप्लेस करते रह जाता हूँ ताकि आपको पता रहे कि कौन सी चीज जो है वो अच्छी लग रही है और कौन सी चीज अच्छी लग रही है। ये भी इतना अच्छा नहीं लग रहा, आई थॉट जो लगा हुआ था वो अच्छा लग रहा था, बट इसके लिए हम जो है वो इसको ट्राई करते रहेंगे। जब तक मुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिल जाती जिसको लगाने से ये जो है वो बहुत अच्छा बहुत पॉपअप सा होता है जो ये देखते हैं देखेगा तब तक हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर का शेड रखना ही रखना है ताकि ये नजर आए। तो हम जो है वो इसको देखते हैं कि और ऐसी क्या चीज है जिसको हम यूटिलाइज करें। एक्चुअली ब्लैक पे ब्लैक यूटिलाइज करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, फिर भी अगर आप ट्राई करेंगे तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। क्योंकि ये तो आई थॉट सिंपल मेकअप मेकअप होता है करते हैं। ये भी अच्छा लग रहा है,
इसी तरीके का कुछ और देखते हैं जिसको हम रख सकें यहाँ पे। और ये है बस अच्छा, उनके जो है मैं यही चाहती हूँ कि बैकग्राउंड में जो भी चीज जाए वो काफी अच्छे तरीके से चमक पाए, से ये अच्छा लग रहा है, सॉरी ये बेटर है ना। ठीक है, तो ये अच्छा लग रहा है मेकअप से रिलेटेड, तो हाँ इसको लगा के इस तरह लिख लो। अच्छा आप इसकी अगर आपको कम करना चाहें बैक से तो आप वो भी थोड़ी सी कम ले जाकर अपने हाथ से ही कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छा लगता है। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से कंसीडर कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल शेयर के बटन में जाना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, यहाँ से इसको JPG में जाकर आपने जो है वो डाउनलोड कर लेना है। तो मेरे पास ये डाउनलोड हो गई, दूसरा मेरे पास ये था यहाँ पर, तो मैं इसको एडिट करने वाली थी। तो सबसे पहले आप अपनी पिक्चर से इसको रिप्लेस करते हैं, जब हम यहाँ पे जाते हैं मैं सिंपल मेकअप लेती हूँ, हम मेकअप से देखेंगे पुट आउट कर सकते हैं। ऑलरेडी इसमें कुछ चीजें पुट आउट हुई है, लेकिन मुझे अगर इनको चेंज करना हो तो मैं चेंज करके भी यहाँ पर चीजों को पुट आउट कर सकती हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे काफी चीज आ रही है, इनको चीज आउट कर लेते हैं। जैसे ये अच्छा लग रहा है तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर रख लेते हैं इस तरह। ये चलो इसको रिमूव करते हैं और कुछ अच्छा सा देखते हैं जिसको हम लगा सकें अराउंड द ग्लोब, क्योंकि हमें अच्छा लगे। वैसे खुद भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं खुद भी इसमें थोड़ा सा टच देना चाहती हूँ। जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल अच्छी लग रही है, थोड़ी सी लिप्स से तो ज्यादा बेटर लगेगी। और नेल पेंट से तो ये लगा देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ब्रश यहाँ पे रख देते हैं, बॉन्जर है। तो हम यहाँ पे जाते हैं मेकअप से रिलेटेड, हम ब्लश सर्च करते हैं, टॉपिक में देखते हैं कौन सा ब्लश होगा हमारे पास। तो हम ब्लश को जो है वो यहाँ पे पोर आउट कराते हैं, जैसे ये ब्लश भी अच्छा लग रहा है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और अच्छा उसका फेस पर लग रहा, उस तरह से कोई बात नहीं, आप और ट्राई आउट कर लें जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। आप उसमें से कोई भी चीज प्रोट आउट कर, अदरवाइज आप सिंपल यहाँ पे जो है वो मेकअप सर्च करें, मेकअप सर्च करके देखें क्या क्या चीज आती है, उनमें से किसी भी चीज का यूटिलाइजेशन करें। तो ये काफी सारी चीज है, तो और कुछ भी रिमूव करना हो, रिमूव करके ये रखना हो तो हम ये भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इनको रिमूव करती हूँ एंड रिमूव करके, और हम सिंपल इसको यहाँ पे रख के कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैं सिंपल लिखती महक cosmetics.pk। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर महक cosmetics.pk लिखी है। आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी लिखना चाहें तो आप वो यहाँ पे टाइप आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, ताकि पता रहे कि हमने कस्टमाइज इसको डिजाइन। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम टाइप आउट, अगर आप किसी और कलर में लिखना हो तो आप किसी और कलर में भी लिख सकते, जरूरी नहीं कि जो कलर मैंने प्रोवाइड आउट किया आपने भी सेम वो ही कलर प्रोवाइड आउट करें। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अच्छा, बीच में लिखा है मेकअप ट्यूटोरियल, तो यहाँ पे मेकअप ट्यूटोरियल करके देखते हैं कि क्या कहते हैं मेरे पास मेकअप ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई अच्छी चीज आपने बना रही है, तो हम उसका यूटिलाइजेशन करें। ठीक है, तो मैं भी देखती हूँ मेकअप ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई अच्छी चीज आ रही है। जब वीडियो ट्यूटोरियल लिख रहा था तो उसको कॉपी कर लेता है, यहाँ पर चले आता है और ट्यूटोरियल लिखा है, इसको कट करके मेकअप के साथ पेस्ट करती हूँ, तो हम चीज को इस तरीके से कम पाए। ठीक है, और यहाँ पर आ जाए सही, यहाँ पर कुछ मेकअप है। अब हम कुछ मेकअप ट्यूटोरियल से रिलेटेड चीजें लिख लेते हैं, कुछ भी है फोटोज में लिखते हैं, कुछ अच्छे से फोटो अच्छा लग रहा है। अगर मैं इससे इसको रिप्लेस करूँ बैकग्राउंड से, तो क्या ये बैकग्राउंड से रिप्लेस कर देगा इसको, मैं फिर डिलीट करके देखती हूँ। सो बैकग्राउंड ब्लॉक था, यहाँ पे जाते हैं रिप्लेस बैकग्राउंड करते हैं, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, हम इस तरह भी इसको फेड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इससे भी वो चीज़ फेड आउट करते हैं, देखते हैं
हमारे पास जगह हो वहाँ पर। हमने क्योंकि कोई भी एक कोर्स जो है वो बेसिकली क्रिएट करना है, तो हम इस तरह कोई भी एक कोर्स वगैरह जो है वो फिल्ड आउट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मेरे साथ में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिफ्रेश बैकग्राउंड करके देखते रहना है कि कहाँ पे कौन सी चीज अच्छी लग रही है ना, आप कहाँ पे इसको पुट आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ये चीज करके एक्स्ट्रा चीज हम यहाँ से करते हैं और पिक्चर यहाँ पुट आउट करते हैं। वीडियो ट्यूटोरियल है इसलिए इसको हमने यहाँ पुट आउट कर दिया। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं एलिमेंट्स में, आपके वहाँ पे सिंपल स्क्वायर को जो है वो सर्च आउट करती हूँ। हम इस तरीके से स्क्वायर में मुझे रेक्टेंगल लेना होगा, तो मैं सिर्फ इसके रेक्टेंगल का बॉक्स लेती हूँ, इसको सी ऑल करते हैं। यहाँ पे आप कोई भी एक बॉक्स लेना जिससे कि ये अच्छा लग रहा है, तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं। इसके ट्रांसपेरेंसी अपने अकॉर्डिंगली प्लीज क्रिएट करते हैं और यहाँ पे फोल्ड करके देखें, अच्छा लग रहा है जितना खास नहीं लग रहा मुझे, जो है वो प्रॉपर मेटल बॉक्स जो है वो पड़ेगा इधर शुरू करेंगे, क्योंकि थोड़ा ब्लैक भी लगे और इसमें किसी भी किस्म का जो है वो कोई प्रॉब्लम भी हमारे पास ना। तो ठीक है, मेकअप ट्यूटोरियल यहाँ पे रखा है मैंने, अब इसका कलर नजर आना चाहिए तो हमने वाइट कर दिया। और हम क्या करेंगे, साथ ही साथ मैं कॉस्मेटिक शॉप पीके को भी यहाँ पे पुट आउट कर, ठीक है, मैं कॉस्मेटिक शॉप पीके को भी पुट कर दिया। इसका कलर आप अपने सिंपल येलो कलर जो है वो प्रोवाइड आउट कर दे, तो ये यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये यहाँ पे भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इसका लेंगे स्क्रीन शॉट, सबमिट कराएंगे अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। आप उसमें बहुत टाइम लगा के क्रिएट कर सकते हैं, तो वो मैंने सिंपल से क्रिएट, इसी के साथ साथ ये मेरा एक और गेवर वे का था, इसको भी मैं यहाँ पे डालती हूँ एंड यहाँ पे इसको भी मैं कंपाइल करती हूँ, इसको भी मैं पेस्ट, दोनों को मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने दोनों को क्या करना है, यहाँ पर जाके डाउनलोड कर लिया, मतलब इनको सिंपल यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। मिनिमल ये डाउनलोड हो रहा है, मैं गूगल पे आके यहाँ पर आके मैं ब्यूटी ब्यूटी क्वेट्स करके जो है ना इसको सर्च आउट, ब्यूटी क्वेट्स करके मेरे पास काफी सारी ब्यूटी क्वेट्स आ चुकी है। तो इसमें से हमें क्या करना होगा, हमने यहाँ पे कोई भी एक दो क्वेट्स को जो है चेकआउट कर लेना। बैक टू द फेसबुक आओगे आप अपने आखिरी टास्क के लिए, जिसमें आपने पब्लिश कर दिया पेज पोस्ट फेसबुक पेज पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपने फोटोज पे क्लिक करना है, एड अ फोटो पे क्लिक करें, हमने मेकअप ट्यूटोरियल की वीडियो दी थी इसको ओपन अप करें यहाँ पे इसको, और यहाँ से कोई भी जो है वो आपको अगर कोई ठीक लग रहा है, जैसे कि मुझे ये पॉइंट जो है वो ठीक लग रहा है, एक मिनट ये वेरीफाई कर लिया हमें ओपन अप होने के लिए, तो हम इसको ओपन अप होने देते हैं। साथ ही साथ जो है हमें क्या करना होगा, ये यहाँ पर आ गया, तो इसको मैं यहाँ से सिंपल कॉपी करूंगी, कॉपी करके मैं सिंपल यहाँ पे पेस्ट, जो पेस्ट करने के बाद यहाँ से सिंपल एक अगर स्क्रीन शॉट लूंगी समर जो मेरा फाइव होगा उसमें पेस्ट कर दूंगी और यहाँ से इसको पोस्ट कर दूंगी ताकि पोस्ट आउट हो जाए। इसी तरीके से मैं दोबारा एक और कोई भी है वो ट्राई कर लूँगी, जैसे गिव अवे का होता है तो मैं देखती हूँ गिव अवे क्विज करके यहाँ पे हमारे पास कुछ अवेलेबल है गिव अवे क्विज करके, तो यहाँ पे लिखा है अनलॉक ड्रीम वन गिव अवे एट ए टाइम, इस तरीके से एक वैक्सी लिखी है, डबल टैप एंड ड्रैग अ फ्रेंड फॉर अ चांस टू विन, ठीक है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, मैं ड्रीम पेज पे जाऊंगी, यहाँ पे आऊंगी दोबारा से, मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, इसको पेस्ट करूंगी और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाली भी जो पिक्चर हुई थी फोटो की आई थी इसका भी स्क्रीन शॉट लेंगे, सबमिट कराएंगे एक्स वर्ड की फाइल के अंदर। तो थोड़ा सा काम होता है आपका कि आपने टास्क जो भी बनाया है आप जो कहते हैं उसको यहाँ पर कंपाइल कर सको, ठीक है। तो ये भी मेरे पास हो गया, यहाँ पर मैंने कॉस्मेटिक्स लगा हुए थे इसको भी मैंने यहाँ से कंसीडर किया, पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद इसको भी मैंने पोस्ट किया और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से मुझे इवेंट नहीं क्रिएट करना, मुझे यहाँ से क्लोज करके लीव पेज करना है, लीव पेज करके आपने इवेंट नहीं क्रिएट करना, आपने सिर्फ पोस्ट क्रिएट करना, क्रिएट आउट कर देना है, करने के बाद आपके दोनों के दोनों जो पोस्ट होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से यहाँ पे आइए, आने के बाद अगर आप चाहें तो आप को यहाँ पर चीजें वगैरह कंडेंस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो एक फाइनल लुकअप जो है वो अपने पेज से रिलेटेड ले लें, यहाँ से स्क्रीन शॉट इसको सबमिट कराया है फाइल में,
दूसरा जो टास्क है उसका स्क्रीन शॉट लेना, उसको भी सबमिट कराया है इस पारी के अंदर। और यहाँ पर आपका जो टास्क होगा वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक फ्रीलांसिंग की वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जाके उसे भी चेकआउट कीजिए, उसका सोल्यूशन अपलोड कर दिया है। आज की वीडियो के लगे सकता है आपसे बात करती हूँ किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।